समय झांसी के रेलवे स्टेशन पर हैं। एसी कोच में भी व्यवस्था इस तरह की है। एक वैज्ञानिक जीएन खरे अपनी पत्नी के साथ, उषा खरे वैज्ञानिक अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे, तभी किसी शराबी यात्री के द्वारा पेशाब कर दिया गया। इसके बाद टीटी द्वारा आरपीएफ को सूचना दी गई। आरपीएफ 145 के तहत कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया गया। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था, आरपीएफ के जो हवाले हैं वो सुरक्षा के हिसाब से खिलवाड़ है। केवल आरपीएफ अपना पैसे वसूलना लूटने में लगी है। जितना भी ग्राउंड से आरपीएफ केवल अपना महीना बांधकर दुकानें चलवा दिया। यात्रियों की सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं। रेलवे एक्ट जो 145 बना है उसमें कठोर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। 145 के जो आरपीएफ का एक्ट है उसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है, जबकि इस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। रेलवे सुरक्षा बल के जवान केवल एक लूटपाट उसमें लगे रहते हैं, केवल पैसा आए। झांसी से सभी समाचार के लिए शादाब। झांसी के संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में शराबी ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर पेशाब कर दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी के कई बार मना करने पर भी नशे में धुत युवक नहीं माना। जब दंपत ने शोर मचाया तो सूचना पर पहुंचे टीटी ने युवक को पकड़ा। ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचने पर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। बुधवार की रात को मानिकपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन जा रही उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में एक शराबी युवक ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर पेशाब कर दिया। बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी के कई बार मना करने पर भी नशे में धुत युवक नहीं माना। जब दंपत ने शोर मचाया तो सूचना पर पहुंचे टीटी ने युवक को पकड़ा। ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचने पर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जीएन खरे अपनी पत्नी उषा खरे के साथ देर रात हरपालपुर मध्य प्रदेश से हजरतपुर निजामुद्दीन जा रहे थे। एक वैज्ञानिक पर शराबी के टॉयलेट करने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये घटना 4 तारीख को रात की, ये घटना 4 तारीख की है। तो दो ये जो 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराई गई कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो टॉयलेट किया है उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको इसके बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है उसको झांसी स्टेशन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं हैं उनके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता दंपति ने यात्रा कहाँ से शुरू करी और यात्रा कहाँ तक कर रहे थे? वो लोग निजामुद्दीन जा रहे थे और ये जो आरोपी जो है वो भी वो महोबा से निजामुद्दीन का सफर कर रहा था। गाड़ी संख्या 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रात 10 बजे दंपत एसी कोच में B3 की लोअर बर्थ की सीट पर 57/60 पर यात्रा कर रहे थे। इसी कोच में साइड लोअर बर्थ की सीट नंबर 63 पर कुतुब विहार साउथ वेस्ट नई दिल्ली निवासी रितेश भी महोबा से हजरतगंज निजामुद्दीन के लिए यात्रा कर रहा था। ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी कि नशे में धुत युवक रितेश ने सीट से उतरकर बुजुर्ग दंपत पर पेशाब करनी शुरू कर दी। दंपत ने युवक को रोकने का प्रयास किया लेकिन युवक नहीं माना और दोनों की लोअर बर्थ पर पेशाब करता रहा। वैज्ञानिक दंपत ने शोर मचाया तो कोच में मौजूद अन्य यात्री भी जाग गए। सूचना दी गई। TTBS खान ने मौके पर पहुंचकर झांसी रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर आरपीएफ ने युवक को उतार दिया। युवक के खिलाफ टीटी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर युवक के पेशाब करने की सूचना मिली थी। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।